हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल की रोटी। चावल की रोटी बनाना हर किसी की बात नहीं होती, ऐसा सब कहते हैं, पर बिल्कुल आप घबराएं नहीं। आप अगर मेरे इस मेथड से चावल की रोटी बनाएंगे तो आपके लिए भी बहुत ही इजी हो जाएगा और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और खाना भी। तो चलिए देख लेते हैं हमें इस चावल की रोटी को कैसे बनाना है। तो चावल की रोटी बनाने के लिए मैंने हले लिया है एक पैन। पैन में हम डाल देंगे 2 कप पानी, थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे हम पानी में एक उबाल आने देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा 2 कप। तो सेम मैंने जितनी क्वांटिटी की पानी यूज़ की है और उतना ही चावल का आटा भी यूज़ किया है। तो चावल को आटे को हम यहाँ पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हमारी ये चावल का आटा पानी को एब्जर्व नहीं कर लेता है तब तक हम इसे हल्का सा कवर कर देते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से ये जो चावल का आटा है ना फूल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने यहाँ ढक्कन हटाया है और अब हम इस चावल के आटे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बिना पानी के अब हम इसे गूंथ लेना है। तो अब दोबारा से आप इसे पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा ना, तो फिर ये जो आपके चावल के आटे हैं बिल्कुल आपके संभाल में नहीं आएंगे, रोटियां नहीं बन पाएंगी और पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस बिना पानी के अब हम इसे हल्का सा हाथों से पंच कर करके गूंथ लेना है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा। तो बस ये आप हाथों से अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लें और यहाँ बिल्कुल स्टिकी सा हमारा डो तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब यहाँ हम इक्वल साइज के पेड़े बना लेंगे, जैसे नॉर्मल हम रोटी या चपाती के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसके पेड़े बना लेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने सरफेस पे चावल का आटा डस्ट किया है और इसे हम रोल कर लेंगे। तो अब ये देख रहे हैं ना किनारों से ये थोड़े से इसके जो एजेस हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। आप अब एक कोई भी राउंड शेप का कटर ले लें या तो फिर आप कोई ढक्कन ले लें, आप उसे बीच से ऐसे कट कर लें और जो किनारे हैं आप उसे हटा दें। आप दोबारा उसे फिर भी लोइयां बना के फिर यूज़ कर सकते हैं। तो बस हम फिर दोबारा से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। तो हमें इसको बिल्कुल पतला, जैसे रोटी या चपाती को रोल करते हैं वैसे ही हमें रोल कर लेना है और ये बहुत आसानी से रोल हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी पतली सी हमारी चावल की रोटी बेल के मैंने यहाँ तैयार कर ली है। तो आपको जितनी बड़ी रोटियां खानी पसंद हो आप उस हिसाब से रोल कर लें। और हाँ, बस आप इसे हल्के हाथों से रोल करें, बहुत हाथों का प्रेशर ना लगाएं और बिल्कुल आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करें। तो बस यहाँ हमारी रोटी तैयार है और गैस पे मैंने तवा रख दिया है पहले से गर्म होने के लिए। तो तवा हमारा अच्छे से हीट हो चुका है, अब हम ये अपनी रोटी को तवे पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और 2 से 3 सेकंड बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 2 से 3 सेकंड बाद ये देख सकते हैं आप, कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल पिछले हिस्से से अच्छे से सिक जाते हैं। तो हम इसे पलट देंगे और जब से इधर से हल्का सा स्पॉट्स ना आ जाए तब से हम इसे हल्का सा ऐसे हाथों से चलाते रहेंगे। तो बस इस पे भी चित्तियाँ पड़ चुकी हैं, गैस पे हमने ये जालियाँ रख दी हैं और ये देखिए हमारी चावल की रोटी बिल्कुल फुली फुली तैयार है। तो है ना बिल्कुल ये गेहूँ की रोटी के जैसी परफेक्ट। तो जिस तरह से आपको ये देखने में लग रही है बिल्कुल इसे बनाना भी उतना ही आसान है और ये खाने में तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो बस हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं अब सर्व करने के लिए। तो यहाँ मैंने इसे सिंपल से सर्व की है आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ। जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद हो आप उसे इस रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस आसान सी चावल की रोटी की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।